हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय। स्टडी पोर्टल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। दोस्तों, ये एक ऐसी वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली उन साथियों के लिए लेके आया हूँ जो टीचर बनने का सपना देखते हैं और टीचर बनकर के देश के भविष्य को तैयार करना चाहते हैं। साथियों, डीएसएसबी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। पीजीटी का आज पहला दिन एग्जाम का था, इंग्लिश का पेपर था, काफी अच्छा आया है और बच्चों को सोल्व करने में ज्यादा समस्याएं नहीं आई हैं जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए थे। इसी के साथ दोस्तों, एक चीज और बता दूं, पीजीटी का स्टार्ट हो चुका है डीएसएसबी का। उसी के साथ पीजीटी की सेकेंड शिफ्ट आएगी, फिर आपका टीजीटी और फिर पीआरटी। सबके लिए जरूरी है ये टॉपिक्स। और उसी के साथ डीएसएसबी के अलावा अभी जो सीटेट के आएंगे, राजस्थान के एवीएस केंद्रीय विद्यालय के, एनवीएस नवोदय के, एचटेट हरियाणा का, एचटेट नीट यूजीसी का, यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, यानी किसी भी स्टेट का या सेंटर का अगर टीचर बनने का कोई एग्जाम होता है तो उसके लिए शिक्षण के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। क्योंकि जब तक टीचर को ये नहीं पता होगा कि उन्हें किन सिद्धांतों को फॉलो करके बच्चों को तैयार करना है तो कहां से वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज और बता दूं कि 15 दिन का डीएसएसबी कर चुका हूं। हर रोज एक टॉपिक आपके लिए सोल्व करके डाला जाता है। उसी के साथ जितनी भी वीडियो डीएसएसबी के लिए और सेटेट के लिए जरूरी है आपके लिए लेकर आ रहा हूं। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि किसी भी वीडियो से को देखने से आप चूक ना जाएं। दूसरे साथियों तक पहुंचाएं, उनसे कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन लोगों को भी इस पूरे लेक्चर का निःशुल्क और फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा हो। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसका कोई कॉस्ट नहीं होता है। एक चीज और बताता हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में वीडियो रहेंगी ताकि हिंदी वालों को भी समस्या ना हो और इंग्लिश वालों को भी इसको मिस ना करना पड़े। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ एक बड़ी लिए मैंने यूर सीट। साथियों, ये आपके लिए और इस रखा हुआ है ताकि आप लोग एग्जाम को क्रैक करें, इस गुलदस्ते को प्राप्त करें। ये सीट टीचर के रूप में खाली है, इस सीट को आप लोग भरने का काम करें। दोस्तों, हमें सिर्फ एक एक सीट चाहिए होती है, मेहनत इतनी करें ताकि आप लोग एग्जाम को क्रैक करके इस सीट को आप प्राप्त कर सकें। 2018 में एक टीचर बनने का सपना आपका पूरा हो जाए, ये हम चाहते हैं और ये आपकी मेहनत और हम सबका सहयोग इस सपने को पूरा जरूर करेगा। आज की वीडियो के बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स में जो पहला ही सिद्धांत है दोस्तों, वो है क्रियाशीलता अर्थात करके सीखने का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग। यानी किसी भी टीचर को इस सिद्धांत को देखना है कि वो बच्चों से ऐसे काम करवाए जिससे वो काम करने के साथ साथ सीखते भी चले जाएं। दोस्तों, करके सीखने का मतलब ही ये है कि प्रत्येक प्रकार के पाठ में टीचर को क्रियाशीलता लानी चाहिए। और यहां तक बात है क्रियाशीलता की या एक्टिविटी की, तो स्टूडेंट का दो तरह प्रकार का हमें विकास करना होता है। एक उसके अंदर शारीरिक क्रियाशीलता लानी होती है, एक्टिविटी लानी होती है, और दूसरा मानसिक यानी फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से उसको हमने एक्टिव करना होता है। दोस्तों, ये सिद्धांत जाने माने प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल का सिद्धांत है। फ्रोबेल ने क्या कहा है, फ्रोबेल कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग जो सिद्धांत है वो बड़ा ही फायदेमंद और बड़ा ही अच्छे प्रदर्शन वाला सिद्धांत है। इसमें उसने यहां तक कह दिया है कि जितनी भी प्रणालियां एजुकेशन के अंदर हैं, चाहे वो किंडरगार्टन प्रणाली हो, चाहे मॉन्टेसरी मेथड हो, चाहे होरिस्टिक मेथड हो, डाल्टन मेथड हो, प्रोजेक्ट मेथड हो, बेसिक मेथड हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो, ये सारे के सारे जो मेथड हैं वो इसी सिद्धांत के ऊपर डिपेंड हैं, इसी सिद्धांत के ऊपर निर्भर हैं। तो इसलिए क्रियाशीलता यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत वो आपके लिए सबसे ज्यादा यहाँ फेमस है। अगर बाय चांस ये पूछा जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, जो प्रिंसिपल है, वो किसका है, तो यहाँ आपका आंसर होगा फ्रोइबेल, FROEBEL, ये फ्रोइबेल इसके इन्वेंशनर का नाम है। उसके बाद है पॉइंट नंबर दो, दूसरा सिद्धांत क्या होगा दोस्तों, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन।
प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में दोस्तों ये कहा गया है कि विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए रुचि पैदा करना एक टीचर का सिद्धांत है। जैसे ही ये मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि जितना टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाएंगे उतने ही ज्यादा वो उनको सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि बच्चों को समय समय पर मोटिवेट करना ये टीचर का दायित्व बनता है, क्योंकि जितना रोल पढ़ाने का है उतना ही रोल उनको पढ़ने के लिए तैयार करना, मोटिवेट करना, लक्ष्य की तरफ अग्रसर करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में आता है। उसके बाद तीसरा है दोस्तों रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट में दोस्तों ये है कि जब विद्यार्थी को आप लोग इंटरेस्ट पैदा कर पाओगे पढ़ाई के अंदर, तभी वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। जितना भी सिलेबस आपका है उसमें बच्चों का इंटरेस्ट पैदा कीजिए, सिलेबस को इस तरीके से मॉनिटर कीजिए ताकि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए। जितना ज्यादा आप बच्चों का पढ़ाई में और सिलेबस में इंटरेस्ट पैदा करवा पाएंगे उतने ही अच्छे टीचर के रूप में आप अपने आप को साबित कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा बच्चों को उसका फायदा हो पाएगा। तो ये चीज आपको देखनी है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर चार है दोस्तों जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें क्या कहा गया है, साइकोलॉजिकली या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह सिद्ध हो चुका है कि शिक्षार्थी यानी जो स्टूडेंट जो हैं उनकी अपनी अपनी एक अलग दुनिया होती है। प्रत्येक विद्यार्थी केवल उन क्रियाओं अथवा विषयों में अधिक रुचि रखता है जिनका उसकी अपनी निजी दुनिया से संबंध होता है। जितना ज्यादा हम बच्चों के निजी जीवन से किसी टॉपिक को या स्टडी मैटर को जोड़ पाएंगे उतना ही उन बच्चों को हम लोग एजुकेशन में सक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों को वो टॉपिक पढ़ने में ज्यादा रुचि आती है जिन चीजों से उसका संबंध है। अगर मान लो कोई स्टूडेंट है और उसका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का है तो उसको पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा होगा। अगर कोई बच्चा है उनके परिवार में कोई हिस्ट्री टीचर है तो हो सकता है कि उन बच्चों को वो घर का माहौल देख करके उसका इतिहास पढ़ने में ज्यादा रुचि हो। तो यानी अगर कोई बच्चा हिसाब किताब में ज्यादा इंटेलिजेंट है तो हो सकता है कि उसको गणित में या मैथमेटिक्स में ज्यादा रुचि पैदा करे। यानी कहने की कोशिश ये है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत जो है वो काफी कारगर सिद्ध होता है। उसके बाद है पॉइंट नंबर पांच, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत का मतलब है दोस्तों, इसका अर्थ है यह है कि प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई निश्चित लक्ष्य अथवा उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। यदि उद्देश्य आपका डेफिनेट नहीं है तो आप लोग एक अच्छे टीचर के रूप में और स्टूडेंट्स को सक्सेस रूप में कामयाब करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। यानी ध्यान रहे हर टीचर की जिम्मेदारी है कि जो लक्ष्य है जो एम है वो डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट लक्ष्य अगर नहीं होगा तो आप लोग अपने लक्ष्य में कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए डेफिनेट एम आपका होना चाहिए। पॉइंट नंबर छह है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, जब हम किसी सिलेबस को बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें यह देखना है कि कौन सी चीज किस तरीके से हमें पढ़ानी है, क्योंकि यदि शिक्षक चाहे कि शिक्षा के किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को संपूर्ण ज्ञान से परिचित करा दे तो इसका मतलब दोस्तों वो सही तरीके से अपने चीजों को चयन नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये सिलेक्शन करना है कि किन बच्चों को किस समय पर कौन सी चीज को पढ़ाना है। यानी जब तक हम लोग हर चीज को सिलेक्शन के आधार पर नहीं ले जाएंगे, चयन के आधार पर नहीं ले जाएंगे, हम उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों बच्चे जो होते हैं वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े कोमल होते हैं। उन लोगों को उनको बाहर की चीजों के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं होता है। टीचर के रूप में, गाइड के रूप में जितना हम लोग सिलेक्शन चीजें चयन करके उनको देंगे वो उसी तरीके से अपने आप को तैयार करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर सात, नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। एक प्लानिंग का किसी भी काम के अंदर एक खास महत्व दोस्तों होता है। शिक्षक को शिक्षण के सफल बनाने के लिए नियोजन के सिद्धांत का पालन करना यानी प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग काफी महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षक को शिक्षण करने से पहले
शिक्षा का क्रम बना लेना चाहिए, यानी पूरे एक साल का बनाइए आप लोग, एक महीने का लीजिए, एक सप्ताह का लीजिए, यानी पहले तो आपको सिलेबस के हिसाब से अपने प्लानिंग बनानी है कि कितने दिन में सिलेबस के किस पोर्शन को आप पूरा कर पाएंगे, कितने दिन में किस यूनिट को आप कर पाएंगे। जब तक आप प्लानिंग के साथ अपने बच्चों को टीचिंग का कार्यक्रम शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप उनको अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। पॉइंट नंबर 8 दोस्तों, 8वां प्रिंसिपल टीचिंग का व्यक्तिगत भिन्नता को जागृत करने का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दोस्तों आपको भी पता है कि हर बच्चा जन्म से एक दूसरे से भिन्न होता है, हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, हर बच्चे की अपनी अपनी अक्षमता होती है। तो जब तक आप बच्चों को इंडिविजुअली डिफरेंस पैदा दूसरों में समझ नहीं पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तब तक आप एक अच्छे टीचर के रूप में कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक बच्चा ऐसा हो जो एक बार पढ़ाने से समझ जाए, हो सकता है कि एक बच्चा ऐसा हो जिसको बार बार आपको बताना पड़े, हो सकता है कि एक बच्चे का बैकग्राउंड ऐसा हो कि उसका माहौल एक अलग डेवलपमेंट का हो, हो सकता है कि दूसरा बच्चा ऐसा हो जिसकी परवरिश इस तरीके से ना हुई हो कि वो सारी चीजों को आराम से कैच करे। कुछ बच्चे साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब होते हैं, कुछ बच्चे घर के माहौल से भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित या दबा हुआ कई जगह महसूस करते हैं। यानी टीचर की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज कीजिए। जब तक आप इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो बच्चों की समस्याएं आप समझ नहीं पाएंगे, और जब तक उनकी समस्या और उनकी पर्सनल चीजों को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे पहला काम ये भी आपका होना चाहिए कि जितने भी बच्चे आपकी क्लासरूम में हैं या आपकी क्लास में हैं, तो आप उनको एक रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिए इंडिविजुअली, ताकि उनके लिए आप लोग एक अच्छे गाइड के रूप में साबित हो सको। पॉइंट नंबर 9 है दोस्तों, जनतंत्री व्यवहार का सिद्धांत। जनतंत्री व्यवहार का सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग का मतलब है दोस्तों, आप अपनी क्लास के अंदर बच्चों के साथ जनतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक रूप से पेश आइए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक डिक्टेटर हो जाएंगे, और अगर डिक्टेटर और तानाशाह हो जाएंगे तो बच्चे दबा हुआ महसूस करेंगे, दबाव महसूस करेंगे, और वो अपनी समस्याएं खुलकर नहीं बता पाएंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए आप डेमोक्रेटिक तरीके से डील कीजिए, हर बच्चे को बराबर का मौका दीजिए, हर बच्चे पर बराबर का ध्यान दीजिए, हर बच्चे की समस्या को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और हर बच्चे के प्रति अपने जिम्मेदारी बराबर समझिए। अगर आपकी क्लासरूम में 50 स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 50 स्टूडेंट एक समान होने चाहिए, ना किसी को ज्यादा वो करें और ना किसी को ज्यादा इग्नोर करें। हालांकि ये जरूरी है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरिट या टॉप आने वाले होते हैं, उनको हम थोड़ा ज्यादा केयर करना होता है, कुछ ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम आने होते हैं, बट उनको भी आपने टाइम देना है, ताकि आपको, यानी कहने का मतलब है आपको सबको बराबर समझ के क्लास में चलना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन के अंदर क्या है दोस्तों, कि पाठ्य सामग्री को निश्चित क्रम से प्रस्तुत करने के लिए कुछ यूनिट में बांट लेना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ है, यहाँ अगर हम बांटते हैं कि हमारी किसी भी बुक के अंदर एक से लेकर के आपके पास 20 चैप्टर हैं, और इस 20 चैप्टर को आप लोगों ने पूरे सिलेबस में करवाना है, तो आपको देखना है कि उसको आप डिवीजन करिए एक से लेकर के 1, 2, 3, 4 और 5 को आप लोग फर्स्ट यूनिट में रखिए, या फर्स्ट यूनिट है उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, हो सकता है कि ये सेकंड यूनिट भी बराबर हो, इसको आप सेकंड यूनिट में रख लीजिए। उसके बाद आपके पास है 11, 12, 13, 14, 15, इसको आप थर्ड यूनिट में बांट दीजिए। फिर है आपके पास 16, 17, 18, 19, 20, इसको आप फोर्थ यूनिट बना लीजिए। यानी कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे सिलेबस को आपको डिवीजन के आधार पर लेना है, बांट के लेना है, विभाजन का सिद्धांत रखना है, ताकि आपने टारगेट रखना है कि इतने समय में, अगर आपके पास एक साल का टाइम है तो आपने ऐसा नहीं कि एक साल में इसको पूरा करवाना है, जितनी कैपेसिटी आपकी और आपके बच्चों की है, हो सकता है कि आप एक महीने में इसे करवाओ, दूसरे महीने में इसे करवाओ, तीसरे में इसे करवाओ, फिर इसको करवाओ, फिर आप इनको रिवाइज करने के लिए, यानी आप यूनिट वाइज अपना टारगेट बनाइए और उस टारगेट में बच्चों को साथ लेके चलिए, वरना आपने करवा दिया बच्चों को, अगर पूरा नहीं हुआ तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों को इस सिद्धांत पर भी ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 11 दोस्तों, आवर्ती व अभ्यास का सिद्धांत।
प्रिंसिपल ऑफ रिविजन एंड प्रैक्टिस थोर्नडाइक, प्रिंसिपल ऑफ रिविजन एंड प्रैक्टिस थोर्नडाइक, आवर्ती व अभ्यास का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब है दोस्तों कि विद्यार्थियों को जो भी पाठ्य सामग्री या सिलेबस पढ़ाया जाए उसे विद्यार्थियों के द्वारा बार बार दोहराया जाए। ये हम भी मानते हैं दोस्तों कि किसी भी चीज को हम जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार वो चीज हमें पक्की होगी। काफी सारे दोस्त बोलते हैं कि सर हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। दोस्तों एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिंदगी में बहुत अनुभव किया है, कई सालों से इस लाइन में है, हर डिग्री लेकर के आप लोगों के साथ सहयोग में लगे हैं, तो एक चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, भूलने की बीमारी किसी इंसान को नहीं है। अगर हमें लगता है कि हम भूल जाते हैं तो ये हमारी बीमारी नहीं है, हमारी कमजोरी हम बना के बैठे हैं। क्योंकि अगर भूलने की बीमारी होते तो हर रोज आप कॉलेज से स्कूल से आते हुए अपना घर भूल जाते, हर रोज अपने भाइयों को, माँ बाप को या पेरेंट्स को या पड़ोसियों को भूलते, यानी भूलना तो तय नहीं है, भूलना कोई बीमारी नहीं है। आप भूल इसलिए रहे हो क्योंकि उन चीजों को आप याद नहीं करना चाहते हो, अपना बर्थडे नहीं भूलते हो, घर वालों के साथ बीते लम्हे नहीं भूलते हो, जिंदगी के अच्छे और बुरे अनुभव नहीं भूलते हो, तो टॉपिक को सिलेबस को कैसे भूल सकते हो। इसलिए भूल सकते हो क्योंकि जो हमारे जिंदगी के अच्छे बुरे पल हैं उनको हम हर रोज याद करते हैं तो उन्हें हम भूल नहीं पाते हैं। टॉपिक को आप बार बार रिवाइज नहीं करते इसलिए आप लोगों के सामने भूलने की समस्या आती है। तो जो भी सिलेबस आप लोगों ने बच्चों को करवाया है उसे रिवाइज करवाइए, अगले आज पढ़ाया है कल उनसे सुन के देखिए, यूनिट टेस्ट ले लीजिए, वीकली टेस्ट लीजिए, मंथली टेस्ट लीजिए, जब भी आपका मूड हुआ या जिस दिन बच्चों का अलग मूड हुआ उस दिन उनको सुनने की कोशिश कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि जितनी बार आपको रिवीजन करवाओगे उतना ही ज्यादा रिजल्ट आपको वहां से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये सिद्धांत दोस्तों थोर्नडाइक का है, थोर्नडाइक ने सिद्धांत दिया है अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन और प्रैक्टिस जो है वो थोर्नडाइक का दिया गया सिद्धांत है। पॉइंट नंबर 12 दोस्तों, 12वां प्रिंसिपल क्या है, निर्माण तथा मनोरंजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। दोस्तों इसमें क्या है, इस सिद्धांत का मतलब है कि विद्यार्थियों से ऐसी क्रिया करवाई जाए जो मनोरंजन पूर्ण हो और जो उनकी क्रिएटिविटी जो पावर है उसका एक अच्छा विकास करें। इससे विद्यार्थी स्कूल और टीचर दोनों से ही भयभीत नहीं होगा और वो इन चीजों में रुचि लेने लगेगा, नई नई बातें खोजने का प्रयास करेगा और उसके अंदर क्रिएटिविटी की भावना पैदा होगी। यानी आपने बच्चों को कंप्लीट रूप से फ्रीडम देने की कोशिश करें, उनको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें, इंटरेस्टिंग टास्क दीजिए, इंटरेस्टिंग गोल दीजिए, समय समय पर आप उनको प्रोत्साहित कीजिए, इनाम दीजिए, उनको ज्यादा प्रशंसा, ईगो पेम्पर करने की कई बार बच्चों को जरूरत होती है, छोटा सा बच्चे ने आंसर दिया ने आपने कह रहे वाह आप तो बड़े इंटेलिजेंट है यार, तो इस तरीके की आप इन चीजों को देखिए ताकि बच्चा क्रिएटिव बने, बच्चे के अंदर अलग अलग चीजों को जानने की जिज्ञासा पैदा हो। पॉइंट नंबर 13 है दोस्तों, सृजनात्मक और आत्माभिव्यक्ति के प्रोत्साहन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, हिंदी में कहते हैं सृजनात्मकता और आत्माभिव्यक्ति के प्रोत्साहन का सिद्धांत। साथियों ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कहते हैं कि शिक्षक का यह कर्तव्य है कि विद्यार्थियों में क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करे, अर्थात वे विद्यार्थियों में खोज करने की आदतों को विकास करें। यानी वही बात दोबारा हम बताते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर आप कोशिश कीजिए कि क्रिएटिविटी पैदा करें, उनको अलग अलग तरीके के टास्क, अलग अलग तरीके के गोल दीजिए, अलग अलग तरीके के उनको टेस्ट देने की कोशिश कीजिए ताकि वो लोग अपने आप को इस तरीके का बनाए। सेल्फ एक्सप्रेशन, वो अपने क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, इन चीजों को वो बयां आपके सामने करें, इस तरीके से तैयार कीजिए। पॉइंट नंबर 14 है दोस्तों, निदान एवं सुधारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, निदान एवं सुधारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोज एंड रेमेडियल टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोज एंड रेमेडियल टीचिंग, निदान एवं सुधारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। दोस्तों इसमें क्या कहा है, इसमें ये कहते हैं कि कई बार विद्यार्थियों के अधिगम में यानी उनकी पढ़ाई करने के दौरान या उनके टीचिंग कैपेसिटी के अंदर या टीचिंग प्रोसेस में और शिक्षण कार्यों में त्रुटियां होती हैं। शिक्षक को चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है कि कई बार बच्चे जिस चीज को पढ़ते हैं उनका पढ़ने का तरीका,
पढ़ने का मटेरियल और पढ़ने की जो अंदाज होता है या कैपेसिटी होती है उसमें कई बार कमियां होती हैं। तो टीचर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के अंदर इन कमियों को, इन त्रुटियों को सुधार पहचाने, फिर उनको सुधारने की कोशिश करें। यानी जब तक आप बच्चों की कमियों को सुधारेंगे नहीं, उनकी समस्याओं का निदान नहीं करेंगे, तब तक आप इस कसौटी पर खड़े नहीं उतरेंगे। तो एक आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है, यानी सुधारात्मक शिक्षण इसी को कहा जाता है। लेकिन यह थोड़ा सा मुश्किल है इसके लिए, क्योंकि बच्चे की समस्याओं को पता करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपके सामने कुछ चैलेंज आए या फिर आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़े। बट कुछ भी हो, आपने बच्चों की कमियों को, बच्चों की समस्याओं को, बच्चों की त्रुटियों को दूर करना है ताकि आप उनको अच्छे से निखार करके एक सक्सेस और एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में तैयार कर पाओ। उसके बाद दोस्तों 15वां सिद्धांत क्या है? सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। दोस्तों ये एक टीचर का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। जितने भी आपकी क्लास में बच्चे हैं सबके प्रति आपके सहानुभूति होनी चाहिए और सहयोग होना चाहिए। कोई भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, इंटेलिजेंट हो कई बार ना भी हो, गरीब हो या अमीर हो, बड़ा हो या छोटा हो, लड़का हो या लड़की हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। आपको सबके बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, सबके खिलाफ आपका जो रवैया है वो सहानुभूति यानी होना चाहिए और सबका तरीका है वो सहयोग का और कोऑपरेशन का होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद है दोस्तों पॉइंट नंबर 16, पुनर्बलन का सिद्धांत, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। यह सिद्धांत स्किनर ने दिया था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट किसने दिया या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर के द्वारा दिया गया। दोस्तों इसके अंदर क्या है, जब हमारा जो टीचिंग जो मेथड होता है उस प्रक्रिया के अंदर हमें पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट सिद्धांत को कई बार प्रयोग करना होता है। इसका संबंध स्टडी प्रोसेस को प्रभावकारी बनाना होता है। शिक्षण प्रक्रिया में पुनर्बलन का अर्थ है कि ऐसे स्टिमुली या ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना या उन्हें प्रस्तुत करना या उन्हें हटाना ताकि किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाए। जैसे कक्षा में सही उत्तर मिलने पर यदि शिक्षक विद्यार्थियों को कोई पुरस्कार दे तो विद्यार्थियों से फिर वैसे ही व्यवहार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसे सकारात्मक रीइंफोर्समेंट यानी ये कह सकते हैं इसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। लेकिन इसका उल्टा क्या है, यदि बाहर से आवाज आ रही है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है तो कमरे के दरवाजे खिड़कियों को बंद कर देना नकारात्मक पुनर्बलन यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत भी कहलाता है। तो उसी के साथ है दोस्तों पॉइंट नंबर 17, ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों को प्रशिक्षित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस एंड मसल्स। सेंसेस एंड मसल्स को इम्प्रूव करने का सिद्धांत या उनको ट्रेंड करने का सिद्धांत दोस्तों, यानी यहां ध्यान रहे एक टीचर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों का मतलब यहाँ सेंसेस से है कि किस बच्चे की कैसी सेंस है, और कर्मेंद्रियों का मतलब है मसल्स यानी फिजिकली, ये एक बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट है, ये एक बच्चे का फिजिकली डेवलपमेंट है। और एक टीचर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को दोनों तरीके से तैयार करे, शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक, यही उनका सेंसेस और मसल्स डेवलपमेंट होगा। जब तक आप एक बच्चे को शारीरिक रूप से तैयार नहीं करेंगे तो मानसिक रूप से उसको तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग वास करता है, रहता है, जीवित रहता है। और जब तक आप उसको मेंटली रूप से तैयार नहीं करेंगे तब तक उसके शरीर का कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि ताकतवर होना इतना जरूरी नहीं है जितना दिमागदार होना है। तो इसलिए दोनों का अपना अपना महत्व है। तो एक टीचर की जिम्मेदारी है कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों यानी सेंसेस एंड मसल्स यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आपने अपने बच्चों को ट्रेंड करना है। पॉइंट नंबर 18, स्व अध्ययन का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग और इंडिपेंडेंट लर्निंग कहते हैं। सेल्फ लर्निंग या इंडिपेंडेंट लर्निंग की जो थ्योरी है, जो प्रिंसिपल है, वो क्या है, इसे हिंदी में स्व अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों घर का कार्य बच्चों से ऐसे काम करवाइए कि वो करके सीखे, सेल्फ लर्निंग। जैसे किसी बच्चे का सब्जेक्ट होम साइंस, तो उसे आप घर के काम करवाइए,
घर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उनमें उसको इन्वॉल्व कीजिए। अगर किसी बच्चे का सिलेबस सब्जेक्ट है ड्राइंग, तो आप कोशिश कीजिए उसे आप ड्राइंग करवाइए, पेंटिंग करवाइए। अगर किसी बच्चे का सिद्धांत है या मतलब सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो आप उसको टूरिस्ट प्लेस पे लेके जाइए, उससे अलग अलग चीजों के बारे में जानकारियां जुटाने की कोशिश कीजिए। यानी सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग उसको सिखाइए, और इंडिपेंडेंट लर्निंग स्वतंत्र रूप से उसको सीखने की उसके अंदर प्रोसेस को आप आगे बढ़ाइए। ये आपके लिए स्व अधिगम का सिद्धांत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है वो मैंने डिस्कस किए हैं, शिक्षण के सिद्धांत डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो को 2-3 बार देखिए, क्योंकि यहीं पे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है। इनको ज्यादा से ज्यादा देखिए, नोट डाउन कीजिए। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट या मैसेज करके पता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना नाम और अपने सब्जेक्ट कौन सा पेपर आप देने जा रहे हैं उसका मैसेज कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों डेली वीडियो आनी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रहे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों की जो हम मदद कर रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेहनत करें और सक्सेस हो जाएं। बस तो आज के लिए इतना दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।